ये है मोर पंख। इसे क्या? हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का टैटू कलेक्टर सिद्धार्थ, और सभी को गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है सबके? सो फाइनली आज नेक्स्ट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पापा का गार्डन दिखाऊंगा, और आज मैं आपको पूरा गार्डन का व्यू दिखाऊंगा, और बताना मुझे कि उसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। बाकी प्लांट से रिलेटेड अगर कोई सी क्वायरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पापा से पूछ के आपको बता दूँगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि पापा क्या कर रहे हैं, और प्लांट्स के नाम और पूरा गार्डन मैं आपको दिखाता हूँ। तो पापा अभी सुबह से लग गए हैं। हेलो पापा। हेलो, सबको नमस्ते बोल दो। पापा, सभी लोग ना देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या पौधे लगा रखे हैं, तो दिखाओगे क्या क्या लगा रखे आपने? ये मैंने ये ड्रम लिया, ड्रम को काट के रखा, दो ड्रम होता बड़ा वाला। हाँ। ये 15-20 लीटर का ड्रम है, तो मैंने कोशिश करे 20 मिनट। इसमें मैंने मिट्टी डाली है, खाद डाला है, और इसको मैंने तैयार करा है। इसको 2 महीने हो गए, इसको सही मैंने बो के रखा। ये मूली है, ठीक है, अब इतने पत्ते हो गए। मैंने दोबारा इसमें सब्जी खा चुका हूँ, फिर दोबारा मैंने इसे फिर बो दिया। और ये मैंने इसमें ये प्याज लगा रखा है, तो प्याज के पेड़ हो जाते हैं, तो मैंने मिट्टी में लगाया। अभी एक बार हरी सब्जी खाऊंगा, आलू प्याज, प्याज के पत्ते की या चटनी खाओ, ये भी अच्छा लगता है। ये है राई का, ये भी मैंने बोया, इसको भी 1 महीना हो गया, तो 2 बार हमने सब्जी खा चुका हूँ, फिर इतना हो गया। गोभी मैंने लगाई थी, गोभी में बीज ला गए, इसको मैंने गोभी लगाई थी, हो गया, इसी मैंने सब्जी खा ली। और ये है मोटी सरसों, तो मैंने बो दिया एक बार, इसकी सब्जी खा ली। और ये है धनिया, ये धनिया मैंने बोया था कि मैं इसमें धनिया लेता हूँ, रोज सब्जी बनाता हूँ रात शाम को, उसमें हरा पत्ता डाल के। अच्छा, ये वाला? ये मेथी है, इसमें मेथी 2 बारी खा चुका हूँ, मेथी है। और मेथी मैंने लहसुन का पेड़ लगा रखा, लहसुन की चंगी पत्ती है, लहसुन का पेड़ हो गया, ये लगा। और ये वाले, ये वाले कौन से पेड़ है? ये है संतरे का पेड़ है, ये संतरे इसमें लग गए, ये छोटे 2 दाने आ रखे हैं संतरे के, उसका पेड़ है। और ये है वो शांति का पेड़, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा कि घर में अच्छा रखता है, हरियाली होती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, साफ सुथरा होता है घर में, कीड़े मकोड़े जो आते हैं उससे मर जाते हैं इनके सामने, कोई मच्छर नहीं, कोई पैदा नहीं होता। इसमें दवाई डालता है, मच्छर बिल्कुल एक भी नजर नहीं आएगा, वो ना कोई चींटी नजर आएगी, सब दवाई डालता है उनमें, एक भी नजर नहीं आएगा। सुबह 1 घंटा घूमते हैं बाहर छत में, थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है। ये है गेंडे का फूल, गेंडे अपने हाथ से बोए थे, सही हो गए। और ये पेड़ है वो जो बड़े दिन आता है उसका क्रिसमस का, मेरी क्रिसमस का जो डे होता है ये उसका है, वो पेड़ है उसका, ये भी अच्छा लगा रहा है, थोड़ा सा लाया था बड़ा हो गया, तो 1 महीना हो गया। ये गेंडे का पौधा लगाया था, बुढ़े आती है लाल फूल आते हैं, तो दवाई वगैरह डाले, कीड़े लग जाते हैं, मैंने उसमें दवाई लगा ली सब। ये एक गोभी है ना, देखो छोटी गोभी होगी, एक बार हमने सब्जी खा चुका हूँ, अब दोबारा फिर फूल हो गए। ये है मोर पंख, इससे क्या फायदा होता है? इससे घर के लिए बहुत सुख सुख होता है, कोई बीमारी नहीं होती घर में, और सबसे अच्छा लगता है, इसको भगवान भी मानते हैं पेड़ को। और ये वाला? ये है बैंगन का पेड़, ये मैंने थोड़ा सा लाया था, उसको अब 2 हफ्ते हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए, फिर बड़ा हो गया, फिर कीड़े वीड़े जितने आए मैं सब पत्तों में दवाई आया लगा रहे, एक भी कीड़ा नहीं, कोई मक्खी है ना कुछ भी नहीं, साफ सुथरे हैं, इसकी गुड़ाई वुड़ाई से ढंग से करता है। इससे बैंगनी पेड़ है, ये वाला कौन सा पेड़ है? ये भी बैगन का ही है, इसमें मिर्ची लगाते हैं। अच्छा। और ये वाला? ये तो फूलों का पेड़ है, इसमें बड़ा फूल आता है, बहुत बड़ा, वो चौड़ा एकदम गेंडे का भाई है वो। और ये वाला? ये तो हल्दी का पेड़ होता है, जो बड़ी जंगली हल्दी होती है ना उसका पेड़ है बड़ा वाला, ये वाला है। और ये वाला? ये तो छोटे फूल आते हैं, पीले लाल हर किस्म का आते हैं, ये तो सीजन का फूल होता है। अच्छा। और ये है सवेदा का पेड़, ये भी घर में बहुत सुख माना जाता है इसको लगाने पर, घर में कोई बीमारी नहीं, कोई हवा पानी नहीं। ये वाला है आमले का पेड़, आमला होता है तो आमले का पेड़ है ये लगा रखा है। और ये सब गेंडे के पेड़ हैं, ये सब मैंने लगा रखे हैं, ये सब घर के लिए बहुत फायदा है। और ये है छोटा इलायची का पौधा, इसको हो गया 1.5 साल हो गया पूरा, ये अभी इतना भी इलायची आने शुरू हो जाएंगे, अभी तो पौधे ही आ रहे हैं। और ये मैंने बेल लगाई, ये तो समुंदरी बेल होता है, भगवान का होता है, पूरा एक बेल बना रखे, इसके एक दाने भी आ रहे हैं, सब ये मोर पंखा भी लगा रखा है, इस सब के लिए होता है, ये सब गेंडे हैं। और ये ऑक्सीजन वाला पेड़ है, बहुत अच्छा होता है, वो फैलता है ना, तो ज़्यादा मेहनत लगती है, बर्तन में रहूँ तो और भी अच्छा बढ़ता है, इसी सुबह ऑक्सीजन लेता हूँ, माँ भी होती है, मेरी माँ भी बैठती है, हम भी बैठते हैं, तो घूमते हैं, ये मैंने बहुत मेहनत करी। यह है अमरूद का पेड़, ये भी घर के लिए बहुत अच्छा होता है, अमरूद का पेड़ है। और ये है सवेदे का पेड़, और ये है अनार का पेड़, ये इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे चिड़िया भी तो रहने आई थी ना, चिड़िया का घोंसला बनाया था, दोबारा आई नहीं। ये है पहाड़ी जात,
भाई जात का प्रेयर होता है, बहुत बढ़िया होता है, घर के लिए बहुत बहुत अच्छी बरकत होती है। जो भी इसको लगाए उसको एलर्जी होती है, पत्ते छूने से शरीर में पूरा एलर्जी आती है। कि मैंने सारे ऑक्सीजन वाले पेड़ लगा रखे हैं, सब पूरा लगा लेंगे। बहुत मेहनत करता हूँ सुबह शाम। ये सब गेंडे के हैं, गेंडे लगा रखे हैं, ये भी फूल हैं, इनकी बहुत मेहनत करता हूँ सब। बिल्कुल ये सब ये क्या चीज़ है पापा? ये धनिया बोया था ना, धनिया इतना हो रखा है। और ये भी वो फूल का पेड़ है, अभी सब फूल आए तो बारिश में खराब हो जाते हैं, बचा कर रखा है। ये भी सब ये वाले पौधे बताओ, ये कौन से? ये तो मनी प्लांट है। ठीक है, ये है वो क्या कहते हैं इसका, शनिदेव का पेड़ है ये। इससे क्या फायदा होता है? ये समय घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसकी पूजा करो सुबह शाम, छह रहता है, पत्ती चढ़ाते हैं उसको। और ये अच्छी होता है। यहाँ पे भी कुछ लगा रखा है आपने नीचे? ये मैंने मनी प्लांट है, ये तो घर के लिए मनी प्लांट लगाया, इसके भी एक साल होने वाला है। बहुत छोटा सा लगाया था, इतना बड़ा हो गया अभी। सुबह इसमें पानी का छिड़काव करता हूँ, उसमें एक मच्छर भी नजर नहीं आएगा, तो कोई कीड़ा कोई मकोड़ा कुछ भी नहीं आएगा, साफ सुथरा है, इसमें साल भर होने वाला है। यहाँ कौन से लगा रखे पापा ये अपने? ये वाले कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता है, बीमारी के लिए भी काम आता है, उसमें अच्छा रहता है घर के लिए, उसको काम अच्छा देना होता है। और यहाँ पे भी बेल लगा रखे ना आपने? हाँ, ये वही पेड़ है, बेल है, इसमें भगवान का पेड़ होता है। और ये तुलसी है, जंगली तुलसी। अच्छा, तो पेड़ है ये, इसको घर में सांप बिच्छू नहीं आते हैं, बिच्छू काटने के रस से। और ये मैंने मटर के पेड़ लगा रखे, हो गए 2 महीने हो गए पूरे, ये मटर आपके सब फूल आ गए, मटर हो रहे हैं, ये सब फूल आ गए, सब फूल आ रहे हैं, दाना आ रहे हैं, भी ऐसी सेवा करता हूँ, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कौन से लगा रखे वाला? ये तो घर के लिए होता है, ये अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा भी मिलेगा आपको। सो आई होप आपको गार्डन पसंद आया होगा। तो कैसा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि भाई इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। और मैं पंजाब निकल रहा हूँ शूट के लिए, तो शूट करने से पहले मैं आपको 2 लोगों से मिलवाऊँगा, और मैं भी बहुत मिलने के लिए उन लोगों से एक्साइटेड हूँ। वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, उन दोनों के अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे। तो चलते हैं और मैं आपको मिलवाता हूँ इससे नेक्स्ट ब्लॉग में उनको। तो और सबसे अच्छी चीज़ तो क्या है कि उन लोगों ने कुछ अलग किया हुआ है अपने आप में, जैसे कि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ, तो वो भी एक उस लेवल के इंटरेस्टिंग पर्सन है, मतलब मज़ा आएगा आपको देख के। और थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करो यार, बातचीत करेंगे, बाकी किसी को टैटू के रिलेटेड क्वारी हो, प्लांट के रिलेटेड क्वारी हो, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।